हम में से कौन ये सपने नहीं देखता कि भाई हम जो कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी देश विदेश में चर्चा हो, लेकिन आखिर कैसे? तो सर एक्सपोर्ट कैसे करें? तो हमने जब एक्सपोर्ट शुरू किया तो हमने सबसे पहले श्रीलंका में एक्सपोर्ट किया 2004 में, एंड उस टाइम बहुत लाइट जा रही थी श्रीलंका में और उनको इन्वर्टर के बारे में कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं था। तो कोई मेरा दोस्त आया और हमने पहला तो बाई फ्लूक हुआ। उसके बाद हमें समझ आ गया बड़े सारे कंट्री हमारे जैसे डिमांड है, जहाँ पे डिमांड है, नाइजीरिया है, पूरा अफ्रीका कंट्री ऐसा है, अफ्रीका इज कवर्ड ओनली 5%। तो फिर हमने नाइजीरिया में हाथ पैर डाले, गए हम लोग बांग्लादेश में गए एंड नेपाल में गए और धीरे 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 करके हम लोग वहाँ अपना बिजनेस खड़ा करते चले गए। एंड उसके दौरान बड़े सारे चैलेंजेस आए, जैसे हमारे को टेस्टिंग इक्विपमेंट का बड़ा चैलेंज आया कि जो प्रोडक्ट जाता था फेलियर हो जाता था। इंडिया में तो फेलियर चल सकता था, बाहर फेलियर चल नहीं सकता था, रिपेयर के लिए ला नहीं सकते अब सामान, यहाँ तो भी अपना लोकल बंदा जाके। तो हमने फिर उसके लिए टेस्टिंग इक्विपमेंट बनाए जिससे सारे कंप्यूटराइज टेस्टिंग है। आज की डेट में हमारे जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं सब कंप्यूटराइज टेस्ट होते हैं, कोई भी हम मैनुअल टेस्ट नहीं करते हैं, तो कोई भी फेलियर होने का चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। एंड फिर हमने बाहर ब्रांड खड़ा करा, एडवर्टीजमेंट शुरू करी नाइजीरिया में, घाना में, केन्या में, बहुत सारे कंट्रीज में हमने एडवर्टीजमेंट शुरू करी, बिल बोर्ड लगाए, टीवी पे ऐड दी। और आज की डेट में आप देखेंगे तो अफ्रीका, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया में हमारा काफ़ी अच्छा ब्रांड खड़ा है। मतलब लोग चाइनीज हमारे हाफ प्राइस पे बेचते हैं तब भी उनका नहीं बिकता जब जैसे सूखे में बिकता है। क्योंकि मैं ये पूछने वाली थी कि सर ये तो अपना देश है, यहाँ तो फिर भी भाई एक पकड़ दूसरी होती है, लेकिन बाहर के देश में तो आप भी फॉरेनर और चाइना भी फॉरेन, तो इक्वल प्लेटफॉर्म पे है, पर फिर भी अगर उनको पाँव नहीं जमाने दिए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सर स्टैंडर्ड सेट करने में, एक ब्रांड नेम बनाने में कितनी मेहनत करी, क्या वो एक टाइम का काम है या कंटिन्यूस प्रोसेस है? सो देखिए, जब भी आप कोई कंपनी खड़ी करते हैं तो आपकी खुद की नॉलेज बड़ी, मेरी जैसे कोई बहुत अच्छी नॉलेज नहीं थी कंपनी क्या होती है, लोग क्या होते हैं, कैसे लोगों को संभाला जाता है, तो इट वॉज अ जर्नी। सो हमने सिस्टम बनाए, पहले हमने लोग खड़े करे, कोई लोग भाग जाते थे हमारे से ट्रेनिंग लेके, क्योंकि हम ट्रेनिंग ग्राउंड हैं, पूरी इंडस्ट्री को हम लोग देते हैं, चाहे वो R&D के हैं, चाहे सर्विस के हैं, चाहे सेल्स के हैं, चाहे फैक्ट्रियों के लोग हैं, हम लोगों ने क्योंकि सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर खड़े करे तो ऑब्वियसली हम ट्रेनिंग ग्राउंड बन गए। तो फिर उसके बाद जब लोग जाते थे तो बड़ा दुख होता था, तो हमने फिर धीरे 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 प्रोसेस शुरू करा और हर टाइम नए लोग लेते रहते हैं, 15-20% हम लोग हर साल नए लेते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और 2-3 साल में 4 साल में लोग जाने की बात करने लगते हैं। तो वी आर ए गुड ट्रेनिंग हाउस। सो हमने अपने सिस्टम प्रोसेसेस धीरे धीरे सीखते चले गए, ब्रांडिंग क्या है ब्रांडिंग नहीं पता थी, फैक्ट्रियाँ कैसे चलेंगी, फैक्ट्रियों के प्रोसेस कैसे रहेंगे वो नहीं पता था, फिर हमें पेटेंट्स के बारे में मालूम नहीं था तो हमने पेटेंट्स फाइल किए, तो आज 100 से ज्यादा टेक्नोलॉजी पेटेंट हम फाइल कर चुके हैं। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं। इट वाज अ बिग लर्निंग फॉर अस, यू नो, वी कीप्ट ऑन लर्निंग एंड इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस बिकॉज़ आप आज आप जो काम कर रहे हैं कल और बड़ा हो रहा है, और फैक्ट्रियां खुल रही हैं और मार्केट्स खुल रही हैं, तो लोगों को कैसे हैंडल करना है, डिस्ट्रीब्यूटर से कैसे डील करना है, डिस्ट्रीब्यूटर कितना सपोर्ट करना है, प्रोडक्ट्स की भी रेंज बहुत बड़ी हो गई, प्रोडक्ट की रेंज भी बहुत बढ़ गई है। अब हमारे जैसे सोलर की इंस्टॉलेशंस हैं या हमारी प्रोडक्ट बेचना है, इन्वर्टर हैं, UPS हैं, ऑनलाइन UPS हैं, अभी हमने एक नया प्रोडक्ट निकाला है, इमरजेंसी रेस्क्यू डिवाइस फॉर लिफ्ट्स। तो अभी ARD चलता है लिफ्ट्स के अंदर, उसकी जगह हमने इमरजेंसी रेस्क्यू डिवाइस बनाया फॉर लिफ्ट्स। तो लिफ्ट का है, आप लिफ्ट चल रही है तो आपको पता नहीं लगेगा, कोई झटका भी नहीं आएगा किसी तरह का भी, चलती रह जाएगी जब तक जनरेटर ऑन नहीं होता। Okay, so that's very good because so that's a fear phobia which is we are continuously improving our technology and we are getting into lot many areas, sports में, medical में, आप medical का कोई equipment हमारे product के साथ चला लीजिए, आज हमारे inverter के साथ आप server चला लीजिए, हमने जो inverter बनाया हम guarantee कर रहे हैं, हमने insurance लेके दी है customer को कि आप सर्वर चलाइए हमारे इन्वर्टर पे। सो यू आर ऑल्सो रीचिंग आउट, देयर इज अ लॉट ऑफ आउटरीच टू द पीपल। मैंने ये देखा है कि क्योंकि इंडिया में जबकि कहने को तो भाई सोशल मीडिया को यूज करने के लिए नई कंपनीज तो बहुत ज़्यादा कर रही हैं, लेकिन जो पुरानी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं मैंने देखा है कि वो अभी भी थोड़े से स्लगिश हैं इस चीज़ में। बट योर इज कंपनीज वन ऑफ दोज जो मैंने देखा है विच हैव टेकन द इनिशिएटिव, एंड आपके यूट्यूब चैनल दैट इज बिकॉज दैट इज़ वन थिंग आई डू फॉलो एंड सब्सक्राइब टू, उसमें बहुत सारा चीज़ होती है, तो वाई आर यू डूइंग इट वेरी फ्रेंकली भाई? उससे क्या आपको लगता है आपके प्रोडक्ट सेल होंगे? सो अभी हमने जो प्रोडक्ट बनाए वो बड़े डिफरेंट हैं वर्ल्ड से, जो लोगों ने बनाए और हमारे प्रोडक्ट्स में बड़ा डिफरेंस है, तो लोग हमारे डीलर को नहीं पता लगता प्रोडक्ट क्या करता है, प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर को दिखाए, क्योंकि वो अपनी खुद की नॉलेज नहीं है। और हम ब्रोशर्स वगैरह भेजते हैं, आजकल ब्रोशर्स वगैरह कोई पढ़ता नहीं है, इतना कोई टाइम नहीं लगाना चाहता। तो हमने ये मीडिया देखा कि हमने यूट्यूब पे ये हर कोई देख लेता है, सही कह रहे हैं, देख लेते हैं। सेकंड चैलेंज क्या है कि जैसे सोलर है, आपको सोलर के बारे में कुछ मालूम नहीं है, किसी को भी सोलर के बारे में मालूम नहीं है, और हमने देखा सोलर के बारे में लोगों ने कोई ज्ञान ही नहीं डाला हुआ, तो हमने यूट्यूब की चैनल की मदद से हमने वीडियो बनानी शुरू करी और फिर हम इम्प्रूव करते चले गए वीडियोस, हमें समझ आया वीडियो इस तरह से नहीं बनानी, इस तरह से बनानी है। तो आज की डेट में हम जो बना रहे हैं एनी बना रहे हैं,
कोई आदमी नहीं आता, सिर्फ एनिमेशन है, एनिमेशन से आपको जल्दी समझ आता है कि प्रोडक्ट करता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। yes. फिर अगर आपने प्रोडक्ट रिपेयर करना है तो रिपेयर कैसे करना है, तो आपको अगर पीसीबी, जो हमने अपने सर्विस इंजीनियर्स की ट्रेनिंग्स भी वहीं डाल दी, अपने सेल्स वालों की ट्रेनिंग भी वहीं डाल दी, अपने डीलर की ट्रेनिंग भी वहीं डाल दी, और अगर कस्टमर कोई देखना चाहता है, सपोज आप एज ए कस्टमर हैं, आप देखना चाहते हैं इन्वर्टर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, इट्स ऑल देयर इवन हमारे ब्लूटूथ के इन्वर्टर कैसे चलते हैं, उसमें क्या क्या फीचर हैं, वो सब आप अपने यूट्यूब के चैनल पर जाके सब देख सकते हैं। सर, सोलर एनर्जी टू ईच एंड एवरी होम ऑफ इंडिया, ये एक मिशन आपने लिया है, इमीडिएट क्या दो स्टेप्स हैं जो आप इसके लिए लेने वाले हैं इस वर्ष में? सो हमारा सबसे बड़ा फोकस है रूरल एरियाज, ठीक है, हमारा फोकस है कि हम रूरल में लोगों को कैसे अच्छे प्रोडक्ट दिखाएं, तो उनको समझ आए कि सोलर उनके घर में कैसे चलेगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने बहुत घटिया घटिया प्रोडक्ट लेके अपना काम चला लिया और फिर दुखी रहते हैं। अच्छा, फिर वो लग जाता है कि नहीं जी इसमें कुछ नहीं रखा, इसमें कुछ नहीं रखा, फिर वो दुखी हो जाते हैं। तो घर में उन्होंने टीवी चलाना है, उन्होंने फ्रिज चलाना है, उन्होंने सोलर से कुछ भी चलाना है, उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं जो उनके सस्ते भी हैं, और फिर हम फाइनेंसिंग पे भी काम कर रहे हैं कि उनकी फाइनेंसिंग कैसे कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि कई बार सर इतनी उनका पैसे नहीं, पावर नहीं है। हाँ। सो हम एक तो रूरल एरियाज में बहुत काम कर रहे हैं, एक हम रूफ टॉप पे बहुत काम कर रहे हैं, जैसे शहर है, जैसे आपका जयपुर शहर क्यों ना हो गया, तो हम कह रहे हैं कि भाई आपका एक किलोवाट का इन्वर्टर, एक किलोवाट का जो सिस्टम है, 60,000 रुपये में लग जाएगा। अच्छा, एक किलोवाट हर कोई लगा सकता है, और 60,000 रुपये आपके 3 साल या 4 साल में आपके रिकवर हो जाते हैं। तो हम प्राइस बड़े अग्रेसिव प्राइस से जा रहे हैं बाजार में, जिससे हम लोगों को कह रहे हैं कि आप अपने घर पे 1 किलोवाट 2 किलोवाट ही फायदा है। और देखिए, मैं ये मानती हूँ कि बिजली की सेविंग नेशनल सेविंग है, बिजली की सेविंग है। सेकेंडली क्या है, आप बिजली उतनी प्रोड्यूस कम होगी कोल से और गैस से, और जिससे आपका पोल्यूशन कम होगा। तो हमारी कोशिश ये है कि हम हर घर में घुसें, और जहाँ पे भी घर में छत है सोलर लगाएं, और सोलर लगा के लोगों को एक तो फाइनेंशियल बेनिफिट भी आए, क्योंकि अगर 3 से 4 साल में अगर आपका पैसा रिकवर हो जाता है, और 60,000 में तो आपकी रिकवरी 3 साल में, बिल्कुल बिल्कुल 100%, और आप लगाइए और कोई आपको मेंटेन नहीं करना है, और पावर की प्राइस ऊपर जा रहा है, हमेशा का फायदा है, ये हम काम कर रहे हैं। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट्स पे काम कर रहे हैं, तो स्ट्रीट लाइट का एक हमने देखा कि स्ट्रीट लाइट पुराने जमाने के जो स्ट्रीट लाइट बना रहे थे सोलर में, बड़ा तगड़ा फेलियर है, तो हमने लिथियम बैटरी के साथ स्ट्रीट लाइट बनाई है, जो हम बहुत अच्छे प्राइस पर लेके आ रहे हैं। इसमें ही मॉनिटरिंग भी है, जीएसएम से मॉनिटरिंग है, देख सकते हैं आप कितना बैटरी रह गई, क्या है, कब ऑन करना है, 100 स्ट्रीट लाइट लगाई तो 100 स्ट्रीट लाइट को आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो मतलब मैं ये मानूं कि भाई सोलर पावर नॉट ओनली इन एवरी होम बट ऑल्सो एवरी स्ट्रीट ऑफ इंडिया। यस सर, हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस इनिशिएटिव के लिए, और यही समझ में आया कि सूरज केवल दिन में नहीं, अब रात में भी चमकेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।